नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में डगराम फूलबाड़ी में भाजपा विधायक शिखा चटर्जी के घर के सामने तृणमूल कांग्रेस के धरना और बीजेपी ने उस जगह और विजय पर्व पर पलटवार किया। सिलीगुड़ी से सटे आशीघर इलाके में हुई इस घटना को लेकर अस्थायी तनाव फैल गया। दाबग्राम फूलबाड़ी तृणमूल कांग्रेस रविवार सुबह शिखा चटर्जी के घर के सामने धरने में शामिल हुई। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विधायक ने 2 साल बीत जाने के बाद भी क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। छोटी सी छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों को मशक्कत करनी पड़ती है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और समर्थक इनके सहित कई कारणों से विरोध में शामिल हुए। दूसरी ओर उस स्थान पर चाय पे का प्रचलन है और हाल ही में नागालैंड और त्रिपुरा में भाजपा की जीत का जश्न मनाया गया। तनाव की आशंका की सूचना पाकर भक्तिनगर थाने का भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हम लोग यहाँ पे तृणमूल का जो फुलबाड़ी ब्लॉक का तृणमूल कांग्रेस कमेटी के यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम हमारे पास सामने बैठे हुए ग्राम प्रधान जो है श्रीमती सुधा सिंह था, उनसे एक बार बात करते हैं। ये जो आज आज आप लोग की जो अवस्था विकल्प की है, ये किस बारे में? यहाँ का डाकड़ा फुलबाड़ी का जो विधायक है चटर्जी, हम लोग धरना बन चुके हैं क्योंकि शिखा चटर्जी जो MLA है उनको मिलता नहीं है। तो यहाँ का आदमी का वोट मिल गया, वो तो विधायक हुआ है तो मिलता नहीं है। विशेष करके जो स्टूडेंट है स्कॉलरशिप में MLA नहीं तो जिला परिषद का साइन लगता है। तो डबरम टू में उनका घर है लेकिन डबरम टू का जो स्टूडेंट है बिल्कुल मिलता नहीं है। घर में आते हैं, कलकत्ता रहते हैं, नहीं तो कभी त्रिपुरा जाते हैं, नहीं तो कभी अलीपुर जाते हैं। तो यहाँ का MLA है, यहाँ का आदमी लोगों ने उनको वोट दिए हैं तो यहाँ वो यहाँ नहीं रहता है, बाहर ही ज़्यादा रहता है। तो यहाँ स्टूडेंट है डबरमपुर का स्टूडेंट हमारा जिला परिषद है फुलबाड़ी में, वहाँ जाके साइन ले आते हैं, नहीं तो BDO ऑफिस जाते हैं, BDO ऑफिस से साइन लेके आते हैं। और हमारा जो साउडांगी का जो रेलवे है वहाँ हम लोग बहुत पहले धरना मंच यहाँ किए थे। तो ये सेंट्रल डिपार्टमेंट का रेल है, रेल दफ्तर सेंट्रल डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ MP भी है 4 साल से ज्वाइन हो रहा है और MLA भी 2 साल से है शिखा चटर्जी। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? अभी तक अंडरपास रेल गेट बना नहीं पाया, यहाँ कितना दिक्कत होता है, कोई इमरजेंसी ऐसा भी सुनने में है कि विधायक कभी कभी फुलबाड़ी तो आपका इलाका में दिखाई नहीं देते हैं। एकदम सही बात है, इसीलिए हम लोग उनसे आज ये बिल्कुल मानते हैं कि वो यहाँ का आदमी का वोट लेके जीते हैं लेकिन वो यहाँ क्यों नहीं मिलते हैं। आज 1 लाख रुपया जैसा उनको अनारिया मिलता है MLA का, ऊपर से एक मीटिंग कलकत्ता में विधानसभा में जाने से उसको 4,000-6,000 रुपया मिलता है, टिकट भाड़ा मिलता है, रहने का जगह मिलता है, वो हमेशा बाहर जाके आराम करता है। यहाँ का आदमी का वोट मिला है, यहाँ का आदमी का कोई मीटिंग नहीं है उनको। और एक बात है कि वो अभी 2 साल तो एकदम कैद में ही था, बाहर में ही रहता था। अभी पंचायत इलेक्शन आए हैं, अभी बसंतों का कोकिल नहीं होता है, वो कोकिल कोयल जैसा अभी निकला है और यहाँ बसंत उत्सव पास में ही वो मना रहे हैं। धन्यवाद। फिलहाल हम लोग अभी डाबग्राम दो के यहाँ पे जो विधायक है मिस्टर शिखा चटर्जी उनके पास, उनसे जो जीत हुए तीनों राज्य में उनका बार उनसे एक बार सुन लेते हैं। दीदी आपका ये जो तीनों स्टेट पे जो ये हुए विजय हुए इनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये तीनों राज्य हम लोग जीते हैं इसीलिए आज तो होली मना रही हूँ हम लोग। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, आने वाले दिन में वेस्ट बंगाल भी होगा इसीलिए हम लोग। आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव जो आ रहे हैं पंचायत चुनाव में क्या बंगाल में भाजपा जीतेगा? दूसरी कोई बात नहीं, भाजपा जीतेगा। ये लोग देखिए हमारे बगल में तृणमूल लोग हैं, हमारे घर को घेराव किया, हमारे इसको विधायक कुछ नहीं किया, विधायक कुछ नहीं करता है, जितना गंदा गंदा बात बोलता है वो छोड़िए, इन लोगों को वही पेशा है, इन लोग यही करते हैं। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी हम लोग अहिंसा आंदोलन करते हैं, हमारे में देखिए हम लोग होली खेल रहे हैं हमारे ऑफिस में, लेकिन ये लोग बाहर से आके यहाँ पैंडल बनाया हमारे घर के बगल में हमारे पहिए के बने, बड़े झमेला लगाने के लिए ये लोग तैयार हैं। आप लोग देखे हैं और निशित प्रामाणिक के उधर जैसा
हत्या किए थे उसी टाइप का मैंने बात ये कर रहा है। पुलिस वाले तो पूरा इधर घिरा हुआ है, ये हम लोग कोई अपराध किया है ऐसा लग रहा है। कोई दूसरे विरोधी दल से कोई आप लोग के ऊपर कोई हमला चलाया क्या? नहीं नहीं, वो हमला चलाएगा तो हम लोग भी है, बंगाल में बीजेपी भी है।